आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इकतालीस दिनों तक लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे प्रदेश भर के लिपिकों के बाद सूबे की 20,000 आशा वर्करों के हड़ताल पर चले जाने से न केवल स्वास्थ्य विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने लगी है। इसी के चलते रेवाड़ी में भी जिला सचिवालय के समीप स्थित राजीव चौक के पास पिछले 10 दिनों से धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा धरना स्थल पर पहुंचे और आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर समय रहते सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर की हजारों आशा कार्यकर्ताओं आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका करारा जवाब देंगी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा ने कहा कि पिछले 5 सालों में सरकार की ओर से उनकी ओर ध्यान देना तो दूर, उनके मानदेय में बढ़ोतरी तक नहीं की गई जबकि उनका काम जरूरी और 3 गुना बढ़ गया है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। ये है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही तो हमें प्रदर्शन करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार की गलती है इसमें प्रदर्शन करवाने में, हड़ताल करवाने में, हमारी कोई गलती नहीं। कब तक चलेगा ये सब? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती तब तक प्रदर्शन हड़ताल ऐसे चलेगा। कामकाज प्रभावित हो रहा है? कामकाज की प्रभावित की मैं आपको बता दूं, मेरे ही गांव की बात है जिसमें मैंने फोन सुन के मैंने अनसुना कर दिया था, लेकिन जो हमारे एरिया के पेशेंट है वो मेरे घर पे आ गए रात को 3 बजे और दरवाजा खटखटा के कहने लगे कि भाई काम तो आपने ही कराना पड़ेगा, हम जब भी आपसे आते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि भी पहले भी हमारी डिलीवरियाँ हुई है तो आपने ही कराई है और आपको कुछ भी करें आपको चलना पड़ेगा। और क्या लगता है कोई बातचीत हुई सरकार से आपकी? कहीं बात सिरे चढ़ते दिखाई पड़ रही है? अभी बातचीत सरकार से हुई नहीं है। एक बार हमने जो मांग पत्र दिया था 12 तारीख को तो उसमें अनिल विज जी स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही आपकी आप विभाग से बुला के और आपकी बात कराएंगे। अब क्या रुख लग रहा है सरकार का, कहीं इस बात सिरे चढ़ते दिखाई पड़ रही है? अभी कोई बात हुई नहीं है जिसके कारण हम आज हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। ये अभी स्टेट कमेटी का आह्वान आया नहीं है कि कितने दिन के लिए बढ़ाया जाएगा, और वैसे 21 तारीख के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि 21 तारीख तक हमने हड़ताल को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष आशा वर्कर यूनियन हरियाणा। प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार कई दिनों से आशा वर्करों का, क्या कहेंगे? आज 9 दिन हो गए हैं हड़ताल को आशा वर्कर्स की और अभी तक सरकार से हमें कोई बातचीत का न्योता नहीं मिला है। 12 तारीख को सभी विधायकों को हमने मांग पत्र दिए थे, हालांकि उससे पहले भी हम हजारों बार जो है मांग पत्र अपने अलग अलग तरीके से अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 12 तारीख को दिए थे सबको मांग पत्र। उसी कड़ी में हमने अम्बाड़ा में भी प्रदर्शन किया था और अम्बाड़ा में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। उस दिन मैं अम्बाड़ा के अंदर ही थी और वहाँ पे उस दिन मिले थे हमें स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी ही आपकी जो है मीटिंग करते हैं और मसले का समाधान करते हैं, लेकिन 12 तारीख से आज हम 17 तारीख में 5 दिन हो गए हैं, अभी उन्होंने वापस हमें कोई मैसेज नहीं किया है मीटिंग का। उन्होंने भी हमें डेट नहीं बताई थी मीटिंग की, हम भी जल्दबाजी में नहीं थे, हमने भी डेट उनसे पूछी नहीं थी, तो ये मसला है। लेकिन हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं इस पर ज़रूर मैं 2 बात कहना चाहती हूँ कि 2018 में हरियाणा की सरकार ने कुछ बढ़ोतरी की थी आशा वर्कर्स की, इस बात को 5 साल बीत गए हैं और 5 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरा, 5 साल पहले आशा जो काम करती थी और आज जो काम करती हैं, आशा के काम में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। आशा वर्कर से फील्ड का काम जो पहले लिया जाता था वो यूं का यूं लिया जा रहा है और उसके साथ साथ जितना काम स्वास्थ्य विभाग का है उस तमाम काम को ऑनलाइन करने का प्रेशर भी आशा वर्कर पे है। असल में तो ये ऑनलाइन काम के लिए एक और नौकरी चाहिए, एक और पोस्ट चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर को। तो सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी आशा से करवाना चाहती है, जो आशा का फील्ड का काम है वो भी आशा से करवाना चाहती है और अनेक तरह के सर्वे जो है उसे अलग वो भी जो है आशाओं से करवा रही है। मैडम, लगातार कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले लिपिक वर्ग कई दिनों तक धरने पर रहा, अब आशा वर्कर है, रोडवेज कर्मचारी भी हड़ताल पर गए हैं सांकेतिक तौर पर। क्या लगता है कि सरकार कब तक आपकी मांगों को पूरा करेगी या आगे क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी? हमारा काम अपना जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है।
आज हरियाणा की आशा बेहद ईमानदारी के साथ और शानदार एकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जहाँ पे हजारों वर्कर हों वहाँ पे 100% वर्कर जो है हड़ताल पे चले जाएं, उनकी एकजुट आवाज आए। लेकिन ये आशाओं के लिए जो है शानदार बात है कि 20,000 वर्कर एक साथ हड़ताल पे और वो एक साथ आवाज उठा रहे हैं। सरकार नहीं सुनती है। अब सरकार यदि नहीं सुनती है तो ये कहते हैं कि हरियाणा में एक कहावत है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो गांव सोई भागता है। तो अब ये गांव जनता के सामने हो रही है। अब ये तो कोई पक्के नहीं है, इनको आना इसी जनता के बीच में जिसकी वो बात को अंत सुना कर रहे हैं। आज नहीं तो और 10 महीने बाद 8 महीने बाद यही वो लोग होंगे जो आज हमारी बात को अनदेखा कर रहे हैं। वो कल को हमारे पास आएंगे और हमसे वोट की अपील करेंगे, तब हम अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। हमारे पास मौके बहुत हैं, सरकार बात नहीं सुनेगी। असल में मौका सरकार के पास नहीं है, उनको उनकी मजबूरी है कि उनको हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और उसका समाधान भी करना पड़ेगा, अन्यथा जो है सरकार बदल जाएगी। जो अगली सरकार आएगी वो इस काम को करेगी। ये काम तो होना, कामकाज कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है 20,000 आशाओं की हड़ताल पर जाने से। हो रहा है, हमें बहुत दुख भी है। बेहद दुख के साथ हम यहाँ पे आपको सूचित करना चाहते हैं कि बहुत सारी जो है होम डिलीवरी हो गई है, इस बीच में स्टिल बर्थ हो गई, यानी कि नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है। और ऐसा मतलब एक दुख की बात है ये। लेकिन जब अधिकारियों से बात होती है अंदर खाते, ऐसा बोला गया हमें एक दो बार कि भी आप हड़ताल करोगे, लिखते वो ये हैं चिट्ठी के अंदर कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती हैं, इसलिए आशा को जनहित के अंदर हड़ताल नहीं करनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आशा बेहद परेशान है, वो मजबूरी में ये कदम उन्होंने उठाया और बातचीत करके सरकार को समाधान करना चाहिए। वो समाधान नहीं करते हैं, अंदर खाते ये कहते हैं कि भी जनता परेशान होती है तो इससे सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये हमें वैसे भी पता है कि इसका सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है, गर्भवती महिलाओं की देखभाल नहीं हो रही है, बाकी जरूरी स्वास्थ्य विभाग के काम रुके हुए हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क पड़ता तो जरूर इस पे बातचीत करती, लेकिन हम मजबूर हैं और हमारी बेहद जायज मांगे हैं, इन पे बात करनी पड़ेगी और समाधान करना। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।